आज मैं आपके लिए बना रही हूँ आलू की टिक्की। उसके लिए मैंने लिए हैं 5-6 आलू। अब मैं इन्हें पहले उबाल लूँगी कुकर में डाल के, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, ये आलू मैंने उबाल लिए हैं। अब मैं इन्हें छील कर कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद बनाएंगे टिक्की। ये देखिए दोस्तों, इसे ऐसे कद्दूकस कर रही हूँ। सारे आलू को आप ऐसे ही कर लेना। ये आलू को कसने के बाद इसमें मिलाएंगे मिर्च। मैंने 2 मिर्च लिए इसमें, मैंने कूट लिया है ये 1/2 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। इसमें ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। मैंने इसमें सादा नमक ना डालकर सेंधा नमक डाला है, क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ मिर्च और सेंधा नमक ऐड किया है, व्रत के लिए है इसलिए। मैं इसे हाथ से अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। ऐसे लोई बना लेंगे। आप पहले आग पर ऐसे थोड़ा घी लगा लें ऐसे, ताकि ये चिपके नहीं। ऐसे गोल गोल करके ऐसे बिल्कुल आराम से, ये देखिए मैंने गैस पर तवा रखा हुआ है गरम होने के लिए। तवा गरम होगा, ऐसे कर लेंगे। तवा भी हमारा गरम हो चुका है, इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। गैस को मीडियम ही रखना है, ऐसे आराम से छोड़ देंगे। इसे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगाते रहेंगे, ताकि ये तवे से चिपके ना। और ऐसे धीरे धीरे से ऐसे पलट देंगे। ये देखिए साइड से देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी टिक्की बन रही है। ये ज़रूर आप डालते रहें, वरना ये तवे से चिपक जाएगी। आराम से उठा के ऐसे करें। अगर आप पहली बार टिक्की बना रहे हैं तो आप एक एक करके ही डालिएगा,
अब अच्छे से बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इनका, ऐसे बिल्कुल आराम से उठाना है और ऐसे पलट देना, ऐसे धीरे धीरे से ऐसे। ये देखिए टिक्की तैयार हो गई है, तो उतार के रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी सारी टिक्की बना ली है। गैस को कर दूंगी बंद क्योंकि ये मेरी बन गई है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी हुई है। अगर आपको मेरी टिक्की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपके फ़ोन पर दिखाई दे। थैंक यू।